बीएड सेकेंडरी के पहले जो इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था आपकी सेकेंड यूनिट चल रही थी, जिसके अंदर हमने ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ा था कि ऑडियो विजुअल एड्स को थ्री काइंड से काटा गया है। ऑडियो एड्स से आपके वीडियो एड्स से, और तीसरा था आपका ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स आपके वो थे जैसे रेडियो और टैप रिकॉर्डर कैसेट्स वगैरह जिसको हम सुन सकते हैं, और आपके विजुअल एड्स वो थे जिसको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे आपका चार्ट हो गया, फिर ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं वो हो गए, आपके फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, पिक्चर्स हो गए। उसके अलावा तीसरा पार्ट जो था आपका ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स वो थे जिनमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे आपका LCD प्रोजेक्टर हो गया, TV हो गया और कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विजुअल एड्स के अंदर, जो आपको मैंने बताया था विजुअल एड्स में आपको कौन सा आता है, चौक आता है, चौक वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चौक और माध्यम, चौक और मार्कर बोर्ड। बोर्ड पे चौक और मार्कर को किस तरह से यूज करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टीचिंग एड कहलाता है क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चौक और जो टाइप्स ऑफ यूज ऑफ वेरियस विजुअल एड्स आर गिवन बिलो। तो उसमें से जो हमारा चौक और मार्कर है, तो चौक और मार्कर बोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टूल फॉर इंस्ट्रक्शन। जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं या जो आपके टीचर है जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो व्यापक रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका चौक और मार्कर है। यानी चौक और मार्कर आपको पता है जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम चौक की सहायता से समझाते हैं, और यदि व्हाइट बोर्ड है तो हम मार्कर की सहायता से समझाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज में लिया जाता है वो आपका चौक और मार्कर है। तो अभी तो ब्लैक बोर्ड पर हमें हाउ टू यूज दिस थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसको ब्लैक बोर्ड पर हमें कैसे यूज करना है वो हमें जानना है। उससे पहले ये क्या है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इट फैसिलिटी इफेक्टिवनेस प्रोवाइड सेवरल एडवांटेजेस फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो इसका इफेक्टिवनेस, इसकी जो प्रभावकता है वो हर इंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावी करती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी संख्या की क्लास को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट द मटीरियल प्रेजेंटेड कैन बी इरेज्ड। यानी कि जो भी मटीरियल हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा है ये चौक एंड मार्कर आर वाइडली यूज फॉर इंस्ट्रक्शन। अब ये मैंने लिख दिया तो इसको हम सबसे बढ़िया इसका जो फर्स्ट है कि वी कैन इरेज द मटीरियल इजीली। अब ये हमें पूरा ब्लैक बोर्ड हमारा अगर क्लियर हो गया है तो वी कैन इरेज, इसको इरेज करके हम दूसरे इंस्ट्रक्शंस को इजीली लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका फायदा वही है कि वी कैन इरेज इजीली द मटीरियल, एंड सेकेंड द बोर्ड सर्व एज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ ड्रॉइंग स्टूडेंट्स। यानी कि जो सबसे अच्छा मीडियम बन जाता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको समझाने के लिए, ये बहुत अच्छा एक मीडियम बन जाता है। इसके अलावा जो है हमारे पास में द फॉलोइंग प्रैक्टिस आर फंडामेंटल इन द यूज ऑफ चौक और मार्कर बोर्ड। यानी कि जो फंडामेंटल इसके जो रूल्स होते हैं कि किस प्रकार से हमें इसकी प्रैक्टिस रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, फंडामेंटल प्रैक्टिस है वो कौन कौन सी है, हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जब हम चौक या मार्कर बोर्ड का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि कीप द चौक और मार्कर बोर्ड क्लीन। सबसे फर्स्ट है हमारा कीप द चौक और मार्कर बोर्ड क्लीन। यानी कि सबसे पहले हमें यूज करने से पहले देखना है कि हमारा बोर्ड क्लीन है या नहीं है, और इसे क्लीन रखना बहुत जरूरी है। जब भी क्लास में एंटर करें तो हमारे टीचर्स का ये टीचिंग के अंदर आपको एक पॉइंट भी है कि जब आप क्लास से जा रहे हैं जाने के बाद में, तो आपने जो लिखा है उसको क्लीन करना कंपलसरी होता है। सेकेंड जो इसका रूल्स है वो ये है इरेज ऑल द इररिलेवेंट मटीरियल, इरेज ऑल द इररिलेवेंट
मटीरियल, यानी कि अननेसेसरी जो भी थीम्स है उसको मिटा देना चाहिए, ज्यादा देर तक बोर्ड पे नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो भी हमारा है कीप चॉक मार्कर्स, कीप चॉक मार्कर्स एंड क्लीनिंग क्लोथ्स रेडी, यानी कि जो भी इसको क्लीन करने के पास हमारे पास डस्टर है, इरेजर है या चॉक है जिसका हम यूज करें, उन सब चीजों को हमेशा प्रॉपरली हमें तैयार ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी उसके अंदर हमारे हम क्लास में पहुंचे हमारे पास मार्कर नहीं, हमारे पास में चॉक नहीं, या जो लिखा है हमने पूरा इस भर दिया जिसको मैं मिटाना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास ना क्लीनिंग क्लोथ से कोई ना इरेज करने का कोई सामान है। तो ये सारी चीजें जो है उन्हें हमें पहले से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइट और ड्रो, राइट और ड्रो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्लास, यानी कि आपको जो भी लिखना है वो ऐसे लिखना है कि अगर पूरी क्लास है तो क्लास वालों को अगर पीछे तक भी विद्यार्थी बैठे हुए तो उन्हें इजीली दिख सके। और फिर हमें करना है प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स, नो द यूज ऑफ मार्जिन, जो मार्जिन है उसका अच्छे से यूज आना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि हम यहाँ से सटा के लिख रहे हैं, तो ये जो इतना जो होता है ये हमें मार्जिन छोड़ना चाहिए। और जो अपर पार्ट ऑफ द बोर्ड है वी हैव टू फिल द एंट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट, और जो भी हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका तो मतलब जो बोर्ड का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका भी प्रॉपर यूज होना चाहिए, जहाँ डेट है, जहाँ का सब्जेक्ट है, जहाँ आपकी क्लास है, टॉपिक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। यानी कि जो अपर पार्ट है बोर्ड का वो भी फिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख रहे और ऊपर का पार्ट खाली हो। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रेजेंट मटीरियल सिंपली एंड ब्रीफली, प्रेजेंट मटीरियल ब्रीफली एंड सिंपली, यानी कि जो मटेरियल आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसको एकदम सिंपल से प्रेजेंट करना और थोड़ा ब्रीफली करना है ताकि इजीली समझ सके। ऐसा नहीं कि आप एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर लिख दें और बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी यूज द बोर्ड एंड चॉक इन द क्लासरूम। जब क्लासरूम में कर रहे हैं तो हमें उसको ब्रीफली भी देना है, इसलिए कि हम पूरा बोर्ड भरे जा रहे हैं और उसके अंदर ना हमें लैंग्वेज का ध्यान है, ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर नहीं है और ना ही सिंपल है लैंग्वेज, तो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो है हमारी एक अंडरलाइन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या करनी है, अंडरलाइन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है या इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वी हैव टू अंडरलाइन। अब जैसे कि मैंने ये आपको बताया बोर्ड क्लीन करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको या तो अंडरलाइन कीजिए या अपने हिसाब से उसको जिस तरह से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। जो भी थिंग्स इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है या कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि बैकन ने कहा था रीडिंग मैन को फूल मैन, तो जब हम ये लिख रहे हैं कि रीडिंग मेक अ फुल मैन, तो इसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये स्टेटमेंट जिससे कि फ्रांसिस बैकन ने दिए, तो ऐसी चीज़ों को हमें हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। यही पर हमारे चौक और मार्कर का स्पेशल यूज होता है, लेकिन हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहे या उसको हाईलाइट करना चाहे या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए ताकि बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ सके। बाकी सब सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, पर यदि कहीं पर हम अंडरलाइन कर देते हैं तो सभी का ध्यान अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है वो है हमारा यूज द अपर पार्ट ऑफ द बोर्ड, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि
है उसका भी यूज प्रॉपरली होना चाहिए. इन मेनी क्लासेस स्टूडेंट्स मे नॉट बी एबल टू सी द लोअर हाफ. ये जो लोअर है ये लोअर हाफ विद्यार्थी देख नहीं पाते हैं, तो जितना हो सके अपर पार्ट को हमें कवर करना चाहिए. अब नेक्स्ट यूज ऑफ पॉइंटर वेन एप्रोप्रिएट. और जो पॉइंटर जो होते हैं हमारे, आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमें जरूरत पड़े वहाँ पर पॉइंटर का भी यूज करना है. उसके अलावा है एडजस्ट लाइटनिंग नेसेसरी टू रिमूव लेंस. मतलब जहाँ लाइटनिंग की हमें जरूरत है, अंधेरा है क्लास में, कई बार होता है कि खिड़की खुली है तो आगे रिफ्लेक्शन उसका पड़ता है, तो विद्यार्थी जो है इस तरफ वाले विद्यार्थी को वो नहीं देख पा रहे हैं, इस तरफ वाले विद्यार्थी को बोर्ड पर नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी. तो आज जो हमने पढ़ा था हमारा जो विजुअल एड्स के अंदर जो हमने पढ़ा था वो था हमारा चौक और मार्कर बोर्ड, और इसका यूज कैसे करना है वो हमने पढ़ा था कि कीप द चौक और मार्कर बोर्ड क्लीन, हमेशा क्लीन रखना चाहिए. फिर इरेज ऑल द इररिलेवेंट मटेरियल, यानी कि जो अननेसेसरी मटेरियल है उसको इरेज कर देना चाहिए. उसके अलावा जो चौक है मार्कर है और जो हमारे क्लीनिंग वो क्लोथ्स है या इरेज है या डस्टर है इसको ऑलवेज रेडी रखना चाहिए. फिर जो हमारा जो राइट करना है हमें या जो पिक्चर ड्रॉ करना है वो साइज उसकी क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए कि पीछे बैठा विद्यार्थी तो उसको ईजिली देख सके. फिर है जो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, मार्जिन का यूज कैसे करना है, मार्जिन को करना चाहिए अपर पार्ट को ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो लोअर पार्ट होता है उसको नहीं देख पाते हैं. और उसके बाद में जो हमारा स्पेस है वर्ड्स के बीच वो होना चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट है वो उसको अंडरलाइन करना चाहिए ताकि वो हाईलाइट हो सके. उसके अलावा जो है हमारा जहाँ यूज हो सके वहाँ हमें पॉइंटर का भी यूज़ करना है. यदि आपको इसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.